नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका द न्यू कैमरा डॉट कॉम हिंदी चैनल में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैनन जो है बहुत ही जल्द एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा अनाउंस करने वाला है। और उसकी जो खासियत है कि वो डेडिकेटेड है एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर। आने वाला जो कैमरा, उसका जो नाम है वो है कैनन EOS RA। अगर आप हमारी वेबसाइट के रीडर हैं तो हमने सितंबर 2018 में एक पोस्ट डाला था, उसे आप देख सकते हैं। उसमें हमने कहा था आपको कि कैनन बहुत ही जल्द EOS RA को लेकर आएगा हमारे सामने। उस पर उन्हें वो काम कर रहे हैं और जो स्पेसिफिकेशन रहेगी हमने आपको बताया था कि वो EOS R के सिमिलर ही रहेगी। सेंसर और इमेज प्रोसेसर सारे सिमिलर रहेंगे। तो उस पर कंफर्मेशन हमें अभी मिली है ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू कि जी हाँ, इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है वो सारे सेम हैं जैसे कि EOS R में था। प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, EOS R के जितनी ही रहेगी। स्पेसिफिकेशन सेम है तो फिर मॉडिफिकेशन क्या है इस खास DSLR? इसमें कैनन ने जो लो पास फिल्टर है उसमें मॉडिफिकेशन की है। मॉडिफिकेशन करने के बाद इन्होंने क्या किया है कि उसको लो पास फिल्टर को मोर सेंसिटिव बना दिया है इंफ्रारेड लाइट्स के लिए। मोर और लेस जो बाकी स्पेसिफिकेशन है सारी मैच करती है आपके EOS R कैमरे से। इसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होने वाली है। प्राइसिंग सेम ही रहेगी, ऑलमोस्ट थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती है इस कैमरे की प्राइसिंग, बट मोर और लेस ये सेम ही रहने वाली EOS R के कंपैरिजन में। तो फाइनली कैनन ने अपना पहला एस्ट्रो फोटोग्राफी फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा अनाउंस करने का मन बना लिया है। इसके पहले निकॉन ने अनाउंस किया था एक एस्ट्रो फोटोग्राफी DSLR, निकॉन D850A। और कैनन का जो इसके पहले का एस्ट्रो फोटोग्राफी कैमरा था वो था कैनन का 60DA। तो ये काफ़ी लॉन्ग गैप है, 60DA के बाद सीधे कैनन आ गया है EOS RA के पास। और इससे एक ये भी चीज़ साफ होती है कि कैनन चाह रहा है कि जो भी एस्ट्रो फोटोग्राफी लवर है जिन्हों के पास 60DA था वो अब अपग्रेड करके मिररलेस जोन में आ जाए और EOS RA को परचेस करें। तो ये एक काफ़ी साफ संदेश है कि वो अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स या न्यू कंज्यूमर बेस को अपने मिररलेस जोन के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास फाइनली काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद एक नया एस्ट्रो फोटोग्राफी कैमरा कैनन की तरफ से आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ही कुछ अपडेट्स इसके बारे में और आती हैं इमेजेस और स्पेसिफिकेशंस को लेके मैं आपको अपडेट करूँगा। सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा जानकारियों के लिए। धन्यवाद।